आमतौर पर ऐसे इंट्रोज नहीं करता, लेकिन मैं इस समय सैकड़ों फीट नीचे एक गुफा में उतर रहा हूँ जो पृथ्वी में 5 किलोमीटर से ज्यादा गहरी है। चाहे हमें ये पसंद हो या ना हो, जैसे ही मैं और मेरे दोस्त जमीन को छुएंगे, हम यहाँ फंसे रहेंगे अगले 7 दिनों तक। मैंने शायद कभी कुछ इतना खतरनाक नहीं किया होगा। सबसे पहली चीज, हमें वहाँ से दूर जाना होगा जहाँ से हम नीचे आए थे। क्यों? अगर तूफान आया तो ये जगह बाढ़ की चपेट में आ सकती है, समुद्र की तरह भर सकती है और हमें डुबो भी सकती है। इसीलिए हम बेस कैंप गुफा में आगे लगाने वाले हैं। ये काफी अजीब है, यहाँ की दुनिया तो अलग है दोस्त। इस गुफा की एंट्रेंस भले ही सुंदर है, लेकिन दिखावट पर नहीं जाना चाहिए। हम सब ये जानते नहीं थे, लेकिन अगले 7 दिन हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय होने वाला था। ये बहुत बुरा आइडिया था। ठीक है, कुछ घंटों में अंधेरा हो जाएगा और अगर हमारे पास कैंप नहीं होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं पता भी है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हम कैंप के लिए फ्लैट जमीन ढूंढ रहे हैं। गुफा के अंदर आने पर हमें अचानक आने वाली बाढ़ से बचने के लिए ऊंचाई पर एक जगह मिली, जिसका मतलब है कि ये हमारे कैंप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट गलत शब्द होगा, मैं इसे ठीक जगह कहूँ, कैंप के लिए अच्छा है। हमने पहले दिन का बाकी समय अपनी सप्लाईज को जुटाने में लगा दिया। इनमें हर बैग का वजन 36 किलो है और जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं, हमने लगभग 4 घंटे बिताए। इसे पार करना बहुत मुश्किल है। हम ये सब हमारे बेस कैंप तक ले जा रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ कुछ लाइटें जला रखी हैं। हमारे सप्लाईज फाइनली हमारे बेस कैंप तक आ गए और अगर तुम कैमरा उधर घुमाओगे तो आपको दिखेगा वहाँ कितना अंधेरा है। इसमें पूरा दिन लग गया और इसीलिए हमने कैंपिंग के लिए कम से कम तैयारी की है। हमने कुछ रस्सियां लटकाने के लिए होल्स किए। इन्हें पकड़ो, खुद को ऊपर खींचो। लगता है ये बिस्तर को संभालने के लिए सही होगी और हमारे सर्वाइवल गाइड जोल की मदद से हमने बिस्तर लटका दिए। ये पतली सी रस्सी मेरे बिस्तर को संभालेगी। हाँ। रात का खाना खाया और जोरदार ठंड के लिए तैयार हो गए। सच कहूं तो मैंने जितना सोचा था, ये बिस्तर उससे कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है। इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? ये गुफा 2.5 किलोमीटर गहरी है और हम अभी इसके एंट्रेंस पर ही कैंपिंग कर रहे हैं। कल हमें काफी कुछ एक्सप्लोर करना है। तुम लोगों की नींद कैसी रही? बुरी तरह। मैं नहीं सोया। बहुत ही उलझन भरा माहौल है। गुफा के ऊपर से लगातार पानी टपक रहा है। हमने अपने ऊपर एक टार्प डाला, लेकिन फिर भी पानी हमारे बिस्तरों में आ रहा है। मैं एक आइडिया दूं, चलो अपने कैंप को और बेहतर बनाते हैं। हमें इन टार्प्स को जोड़ देना चाहिए ताकि यहाँ सोते वक्त हम सूखे रहें। बहुत अच्छा आइडिया है। मैं सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है? मेरा बिस्तर यहाँ तक निकलता है। क्या कोई मजाक है? मैं अभी अभी अपने बिस्तर से निकला था यार। हमें उस समय समझ नहीं आया, लेकिन ये गड्ढा लगभग 40 फीट गहरा है। तो जब शॉन और मैंने सुपर टॉप पर काम करना शुरू किया, मैक और कार्ल ये देखने गए कि ये गड्ढा कितना खतरनाक है। वहाँ ऊपर मेरा बिस्तर देख सकते हो, मैं वही सोया था। अब ये देखो, क्योंकि यहाँ सब कुछ एक जैसा दिखता है और गुफा में हमें ट्रैक करना शायद काफी मुश्किल होगा, इसीलिए इस मैप पर आप देख सकते हैं कि हमारा बेस कहाँ है और वो कितनी दूर जा रहा है। ठीक है मैक, कल हो ना हो। ओह, ये पागलपन है। जब तक बॉयज एक्सप्लोर कर रहे हैं, मुझे और शॉन को कैंप पर काम करना पड़ रहा है। यहाँ ये स्लीपिंग बैग क्यों पड़ा है? इसमें टॉयलेट जैसी बदबू आ रही थी। लेसन नंबर 1, किराए के स्लीपिंग बैग्स मत लेना। हमने स्लीपिंग बैग्स किराए पर क्यों लिए? मुझे भी नहीं पता। हमने नहीं ये पता। स्लीपिंग बैग्स खरीदे क्यों नहीं? हम टॉप्स को जोड़कर एक बड़ा टॉप बना रहे हैं। मेरी जिंदगी अब बस इस रस्सी के सहारे है। और इस बीच मैक और कार्ल अब भी गड्ढे में थे। ओह माय गॉड मैक। और आखिरकार वो कुछ समय बाद नीचे पहुंच गए। हमें इस वक्त कैंप पर काम करना चाहिए। हम बस ये दिखाना चाहते थे कि कैंप कितना खतरनाक है। बस गिर मत जाना, वरना मैं नहीं निकालूंगा। ओके। हालांकि उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। कार्ल और मैक ये देखना चाहते थे कि वो कितनी गहराई तक जा सकते हैं। ब्रो, ये सच में पागलपन है। तुम्हें लगता है तुम ये नदी पार कर पाओगे? लेकिन इन दोनों को नहीं पता था कि ये नदी पूरे गुफा में फैली हुई है, जिसका मतलब है कि हमें इसमें कुछ समय बिताना पड़ेगा। लो आ गए। गेंदों की खाना बन चुका है। हाँ, बन चुका है। सही कहा। एक नया घर है ना? लेट्स गो। अब हमारे पास एक छत। क्या बात है, मानना पड़ेगा तुम लोगों ने कमाल कर दिया। और हमने फायर पिट को इस छोटी सी गुफा में रखा है, तो क्या कहते हो? गर्म है, काफी कोजी है। ये चट्टाने यहाँ गर्मी को कैद करती हैं और ऊपर से आने वाले टॉयलेट को ब्लॉक करती हैं। वो टॉयलेट नहीं है। तो फिर मैं उसे क्या कहूँ? पता नहीं, शायद बारिश या कुछ और। लेकिन ये बारिश नहीं है, ऊपर पत्थर है। ऊपर देखो, ऊपर बादल नहीं पत्थर है। ये बारिश नहीं है, पत्थर का टॉयलेट। देखा, मैंने कहा था ना। और एक सूखी रात की नींद के बाद हमने जोल, हमारे सर्वाइवल एक्सपर्ट को मदद के लिए बुलाया ताकि हम गुफा के अंत तक पहुंच सके। केव 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 केव।
चलो देखते हैं हम गुफा के कितनी गहराई तक पहुंच सकते हैं। ध्यान रहे कि हम अभी इस विशाल गुफा के शुरुआत में हैं और हमारा गोल है इसे पूरी तरह से पार करना, ऑफ कोर्स बिना अपनी जान गवाए। ओह माय गॉश, ये तो बहुत गहरा है। तुमने अब तक कुछ नहीं देखा, हम गुफा की गहराई में जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अपने पेट अंदर कर लो, यहाँ मामला टाइट होने वाला है। मुझे नहीं लगता मैं इसमें फिट हो पाऊंगा। गुफा की खोज का दिलचस्प हिस्सा ये है कि आप पत्थरों की दरारों में मुश्किल से फिट हो पाते हो। ओह माय गॉड, यहाँ जगह बहुत कम है। और कभी कभी आप एक बड़े से चेंबर में होते हो, इतना बड़ा कि हमें इसे देखने के लिए ये करना पड़ा। ओह माय गॉड, अब मैं देख पा रहा हूँ, मजा आ गया। ये कितनी चमकदार है, देखो तो ये कितना शानदार है। रोशनी इतनी तेज है कि मैं देख भी नहीं सकता। मैं तो अंधा हो रहा हूँ। ओ नहीं, ओ नहीं। सोचने पर लग रहा है कि शायद हमने इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। रास्ता दिखाओ। और इसी तरह हम आगे बढ़े। संभल के, यहाँ पकड़ने के लिए एक हैंडल है इधर, और फिर तुम आसानी से अपने पैर को यहाँ रख सकते हो इस तरह। हाँ, परफेक्ट। जोल सबसे अच्छा केव गाइड, अब तक सब जिंदा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से चीजें दिलचस्प हो जाती है। क्या ये क्या है? तो अब से वेट सूट पहनने होंगे, हम सब तैरने वाले हैं। कल मैक और काल इसके बारे में मजाक कर रहे थे, लेकिन इस गुफा के एडवेंचर का बाकी हिस्सा एक जमा देने वाली नदी में होता है। ओह माय गॉड, ये पागलपन है। वेट सूट ही एक तरीका है जिससे हाइपोथर्मिया से बचा जा सकता है। हम ये क्यों कर रहे हैं? ये जिंदगी में एक ही बार करने मिलेगा, क्योंकि उसके बाद तुम मर जाते हो, समझे? गुफा के अंत तक पहुँचने के लिए हमें इस नदी में कूदना होगा और पत्थरों के बीच से होकर तेजी से बहती नदी को पार करना होगा और सावधानी से इनके बीच से गुजरना होगा। धीरे धीरे चलो, इससे तुम्हारे पैर पीछे जाएंगे। ठीक है, मैं नदी में जा रहा हूँ। ध्यान से लेफ्ट साइड की दीवारों को फॉलो करो। ये बहुत ठंडा है। तुम कर लोगे जिमी। पता नहीं मैं फिर डूब पाऊंगा या नहीं। जिमी, मैं चाहता हूँ कि तुम पानी से बाहर निकलो। ओह माय गॉड, इसको करना पागलपन है। ये कितना ठंडा है। क्योंकि जब आप पूरी तरह से ठंडे पानी में डूबे होते हो तो पत्थरों को पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। ओह माय गॉड, ये तो पागलपन था। मैं काल, चलो। मुझे डर लग रहा है ब्रो। तुम कर सकते हो। जारी रखो। देखो ये कितना मुश्किल है। हालांकि ये बड़ा मुश्किल था, पर आगे आने वाली मुश्किलों के सामने ये कुछ नहीं। हमने कर दिया। बॉय, हम 10% काम पूरा कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि ये बस एडवेंचर की शुरुआत है और अंत तक पहुंचने के लिए अभी 2 किलोमीटर बाकी है। जैसा कि तुम देख सकते हो, इस गुफा में 24 घंटे बारिश होती रहती है, इसलिए मैं हमारे लिए एक आरामदायक जगह बना रहा हूँ ताकि हम सूखे रहें। मुझे जानना है कि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो ये सब कैसे बन पाता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो गीले पत्थर में ही सो जाते। हमें जल्दी चलना चाहिए क्योंकि अब हमारे शरीर गीले हो चुके हैं, इसलिए तापमान तेजी से गिरने वाला है। ये इतना मुश्किल क्यों है? सबसे बुरी बात ये है कि हम जितना इस तरफ वापस अपने कैंप तक जाना होगा। हमारा अगला ऑब्स्टिकल पानी से बाहर हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आसान होगा। ओ, क्या ये मकड़ी का जाल है? पर यहाँ मकड़ी है ही नहीं। इसका मतलब वो हम पर हो सकती है। तुम्हारे ऊपर ऊपर है। मुझे इनसे नफरत है। ये गुफा एक मिस्टर बीस्ट वीडियो की तरह है, जितना आगे बढ़ते हो उतना मुश्किल होता है। सच कहूँ तो अगर हमारे पास जोल नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं होता। और 3 घंटे बाद जोल के पास हमारे लिए बुरी खबर थी। पानी बहुत ऊंचा है और हमने बहुत समय बर्बाद किया है। हमें आज के लिए वापस लौटना होगा और कैंप में जाना होगा। मैं असहमत हूँ। तुम सेफ्टी एक्सपर्ट से असहमत नहीं हो सकते। फिर भी मैं असहमत हूँ। जो भी हो, हमें इनकी बात माननी होगी। हमने फिल्म बनाने और फ्लेयर के साथ खेलने में बहुत समय बर्बाद कर दिया, इस हद तक कि हमें अभी रिस्टार्ट करना होगा और इस मिशन को कल फिर से शुरू करना होगा। शॉन, हम वापस आ गए। जब हम नहीं थे तब तुमने क्या किया? उम्मीद है कि अब कोई गीला नहीं होगा। मुझे नहीं पता था तुमने लाइट्स पैक किया। हाँ, ये शानदार है ना? अफसोस है कि आज हम सिर्फ 20% गुफा ही पार कर पाए, लेकिन भरोसा रखना कि हम किसी ना किसी तरह आखिर तक जरूर पहुँचेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा कभी नहीं होगा। हम 4th दिन आराम कर सकते हैं और फिर 5वें दिन गुफा के अंत तक जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे वहाँ क्या है। 3रा दिन बहुत मजेदार था। मैं आपसे कल मिलता हूँ। हमारी 3री और बुरी रात के बाद अगली सुबह हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी, एक गर्म शावर मिल जाए तो अभी मेरी जान बच सकती है। हाँ, शावर लेना सच में शानदार होगा। मैंने शावर नहीं लिया है 3-4 दिनों से। जैसा कि आप सोच सकते हैं, गुफा के अंदर नहाना आसान नहीं है। नदी के तल तक सुरक्षित पहुँचने के लिए हमें उस जगह तक हाइक करना पड़ा जहाँ से हमने शुरू किया था। ओह गॉड, ओह माय गॉड, मुझे अपना दिमाग फील हो रहा है, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। मेरा सर पूरी तरह से जम गया है। हम अपना सिर सुखाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। रुको रुको, ये एक्चुअली काम कर रहा है। हाँ, ये काम कर रहा है। जब तुम्हारे पास ड्रोन हो तो हेयर ड्रायर की क्या जरूरत। और सूखने के बाद हम अपने आगे की प्लानिंग के लिए जोल के साथ बैठे। ये क्या है जोल? ये गुफा का मैप है। पिछली बार हमें तेज बहाव की वजह से रुकना पड़ा था, लेकिन बारिश धीमी हो गई है, इसलिए हमें कल गुफा के अंत तक पहुंचने का मौका मिल सकता है। इसमें बहुत मजा आने वाला है। पहले
हमें कल की तरह कुछ उसी बहाव को पार करना होगा, बड़े चट्टानों से कूदना होगा और खुरदरी पत्थरों से बचना होगा, और अगर हम सब कुछ पार कर पाए तो फाइनली हम खूबसूरत ग्लो वॉर्म चेंबर तक पहुँच पाएंगे। हमें मत बताना कि वो कैसा दिखता है, वो हमारा सरप्राइज होगा। तुम्हें लगता है हम ये कर पाएंगे? वो नहीं, ये सब अभी मत सोचो, हम कर सकते हैं। कल की अच्छी तरह से प्लानिंग करने के बाद हमने आराम किया और अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए फीस्टिबल स्मोर्स बनाए। सब लोग चीयर्स। ओ जोल, अपना पहला फीस्टिबल स्मोर्स खाने वाला है। ओके जोल, बी ऑनेस्ट, ये अच्छा है, तुम्हें अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा। हमने चॉकलेट को पहले क्यों नहीं निकाला, अब ये 10 गुना ज्यादा मजेदार हो गया। सच में अगर आपने फीस्टिबल्स के साथ स्मोर्स नहीं ट्राई किए हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। कल हम पूरी गुफा की खोज करने वाले हैं, कल मिलते हैं। तो हमने जितना हो सके सोने की कोशिश की और कल की एडवेंचर यानी गुफा के अंत तक जाने की तैयारी की। हम अपने जीवन के सबसे खतरनाक जर्नी पर जा रहे हैं। तीसरे दिन के एक्सपीरियंस और फिल्मिंग पर कम ध्यान देने की वजह से हम सब तेजी से आगे बढ़ पा रहे थे। ये पानी ठंडा है, बिल्कुल कल की तरह। शाबाश। और अपने सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाने के लिए हम जोल के साथ एक और सर्वाइवल एक्सपर्ट को भी लाए। तीसरे दिन हमें यहीं पर रुकना पड़ा था, अब हम कैसा कर रहे हैं? हम बहुत बेहतर कर रहे हैं। हमारे पीछे पूरी तरह से अंधेरा है, हम कहाँ जाएं? ये जगह नैरो होती जा रही है, धारा भी तेज है, तो हम दीवारों का सहारा लेकर चढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ओह गॉड। हाँ, पहली चट्टान पर कूदो, कोने के आसपास भी कुछ अच्छी चट्टानें हैं जिनका सहारा ले सकते हो। यहाँ कितना अंधेरा है। अब कोई बेस नहीं है, मेरे पैर जमीन से बहुत ऊपर हैं। क्योंकि हम जमीन तक नहीं पहुँच पा रहे, इसका मतलब ये है कि अगर हमने अभी जाने दिया तो हम सीधे पानी के धार में बह जाएंगे। जोल अब हम क्या करें? अपना हाथ यहाँ पर फंसाओ, पकड़ अच्छी मिलेगी। ओके, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ जोल। पानी मुझे बहा ले जाएगा। मैं ये कैसे करूँ? तुम्हें खुद को वहाँ पर लाना होगा और फिर ये बहुत आसान हो जाएगा। मैं अंदर जाऊँ? हाँ, होल में। ये आज तक का सबसे खतरनाक चैलेंज होगा। हम गुफा के पहले से कहीं ज्यादा गहराई में हैं और अब हम हमारे पहले ऑब्स्टिकल के करीब पहुंचने वाले हैं। असल में पानी बार बार घूम रहा है, तो अगर तुम इसमें गिरते हो तो ये तुम्हें नीचे ले जाएगा और वहीं रोकेगा। अगर हम गिर गए तो मर जाएंगे? हाँ। ओके, तो मौत का खतरा है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमें ये सब करना पड़ेगा। बहुत अच्छे, यहाँ पर। अब मैं अपना पैर यहाँ रखूं? हाँ बिल्कुल ठीक है। Oh, yeah. केविंग, जितना सोचा उससे ज्यादा मुश्किल। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये नदी कितनी ताकतवर है, इसने पूरा गुफा बनाया है। और हम गुफा जितने ताकतवर नहीं है। मैं तो मुश्किल से इंसान जितना ताकतवर हूँ। हमारी खुशकिस्मती है कि इस एडवेंचर को काल लीड नहीं कर रहा, बल्कि हमारे पास जोल है जो अवेंजर्स से कम नहीं। और ये साबित करने के लिए कि वो कितना बड़ा एक्सपर्ट है, उसने हम पर फ्लेक्स करने के लिए एक चट्टान से कूद कर दिखाया। तुम पागल हो। कौन है जो थोड़ा पागल है? कोई तो है जो करना चाहता होगा। मैं पागल हूँ। ये मत कहना कि तुम्हें भी ये करना है। क्या बोल रहे हो, मैं अभी कर रहा हूँ दोस्त। चलो जो, गुड लक मैक। जिमी ने मुझसे अब तक जो भी करवाया उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। 3, 2, 1। क्या तुम ये करोगे? नहीं, आगे बढ़ते हैं वरना हम आखिर तक नहीं पहुँचेंगे। ओह माय गॉड, हमेशा हम पानी के बहाव के उल्टा ही क्यों जाते हैं? मैं शायद इसमें बह जाऊं, मुझे शायद हार ही माननी चाहिए। पानी के नीचे नुकीले पत्थर है, तुम उन्हें देख नहीं सकते तो संभल कर चलना। ओह माय गॉड, पानी और गहरा हो रहा है। मैं नहीं कर सकता, मुझे पैर किसी चीज पर रखने होंगे। और अगर नुकीले पत्थर काफी नहीं थे तो हमारे हर कदम के साथ। ब्रो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये डरावना है। ये गुफा और भी अंधेरी, टाइट और खतरनाक हो गई, जिससे हमने सोचना शुरू कर दिया कि क्या हम सच में फिनिश लाइन तक पहुंच पाएंगे। मैं थक गया। ये गुफा अब और भी मुश्किल होने वाला है और मुझे आप सबको कुछ दिखाना है। जोल, मुझे तुम्हारा बैग देना। थैंक यू। पता है तुम्हारे बैग में अब तक क्या था? नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। ब्रांड न्यू मिस्टर बीस्ट लैब्स वर्म। मैं ईमानदारी से कहूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं जो मैंने पिछले 5 घंटों में झेला है, मैं इस वक्त इसके बारे में कुछ बताने की हालत में नहीं हूँ। तो 1 महीने बाद जब हमने ये शूट किया तब मैंने पूरा गुफा का सेट बनाया, अपना फ्यूचर जिमी का नेम टैग पहना और फिर कहा, हे, मैं फ्यूचर जिमी और मैं आपको हमारे नए टॉयज के बारे में बताऊंगा, मिस्टर बीस्ट लैब्स वर्म। ये कलेक्टेबल टॉयज है जिसमें 119 से ज्यादा यूनिक कैरेक्टर्स है जिन्हें आप कलेक्ट कर सकते हैं। और कूल बात है कि पता करने के लिए कि आपको कौन सा कैरेक्टर मिला है, आप इस ट्यूब में पानी डालते हो, इसे हिलाते हो और स्वॉर्म्स आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं। और प्रोडक्ट का डेमो दिखाने के लिए हमने इस स्वॉर्म ट्यूब का एक बड़ा वर्जन भी बनाया है। इस ट्यूब को पानी से भर दिया। आपको इतना पानी नहीं चाहिए होगा क्योंकि ये एक बड़ा ट्यूब है। ठीक है, अब ये पानी से भर गया है तो मैक इस ट्यूब को शेक करेगा। मुझे लगता है इतना काफी होगा ना। हाँ, मुझे लगता है इतना काफी है। फिर आप पानी को बाहर निकालोगे। जोलिए तुम करो।
और फिर पानी से निकलेंगे वो दो स्वर्म्स जो आपको मिले हैं। ये सबसे रेयर वाला है हाइपरक्रोम, मैंने ये सिर्फ 1000 बनाए हैं। जो ये तुम रख सकते हो और ये तुम्हारा। काल को क्या मिलेगा? मेरे पास सिर्फ 2 हैं। सिर्फ स्वर्म्स ही नहीं, हमने ये एक्शन फिगर पैंथर्स भी बनाए हैं जो इन ब्रीफकेसेस में आते हैं, और एक म्यूटेटर जो स्वर्म्स की तरह ही खरीदने पर बहुत ही शानदार तरीके से रिवील होता है। ये मुझे कहाँ मिलेंगे? काफी अच्छा सवाल है। मिस्टर बीस्ट के लैब टॉयज अब दुनिया भर में हर जगह अवेलेबल हैं जहाँ से आप खिलौने खरीदते हैं। ये रिलीज हो चुके हैं, अभी खरीदिए। और गुफा में और भी कठिन सफर के बाद हम आखिरकार ग्लोवर्म चेंबर तक पहुँच ही गए। यार हमारी मेहनत वेस्ट ना हो। तो ठीक है टीम, ग्लोवर्म चेंबर में आपका स्वागत है। क्या बात है, ये कमाल का है दोस्तों। ये धरती जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। जो रोशनी आप यहाँ देख रहे हैं वो असल में छोटे छोटे बायोल्यूमिनेसेंट ग्लोवर्म से बनती है। ये तो मिल्की वे गैलेक्सी जैसा लग रहा है। वाओ, इस पल ने और इस व्यू ने सच में हमारे ट्रैक को सैटिस्फाइंग बना दिया है। ग्लोवर्म्स तक पहुंचना वाकई ट्रिप के लायक था, लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि हमें बेस कैंप तक वापस जाना था। डे 6 शुरू होने वाला है। वो लोग वापस नहीं आए और मैं थक गया हूँ। मुझे नहीं लगता मैं सो पाऊंगा। मैं परेशान हूँ क्योंकि काफी देर हो गई। वापसी का सफर बहुत आसान है क्योंकि हम बस धारा के साथ बह रहे हैं। क्योंकि आप पहले ही सफर देख चुके हैं, हम वापसी का सफर जल्दी पूरा करेंगे। लेकिन सच में ये पूरा ट्रिप बहुत लंबा चला। वापस पहुँचने से पहले हमारा 6ठा दिन शुरू हो गया था। शान, शान। कैसे हो दोस्तों, मुझे तुम सब की चिंता हो रही थी। फाइनली हम आ गए, चलो चलते हैं। हमारे पास आग के पास बैठकर खुद को गर्म करने और कुछ खाना खाने की ही एनर्जी बची थी। ये बहुत ही रोमांचक दिन था। मैं आप सबसे कल मिलता हूँ, या फिर शायद आज ही। आज 6ठा दिन है, हो सकता है, मुझे नहीं पता। इतनी लंबी और थका देने वाली ट्रिप के बाद भी मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन मुझे सोने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने 7 दिन एकांत में बिताए, 7 दिन जिंदा दफन होकर बिताए और 7 दिन एक राफ्ट पर। और सच कहूं तो मुझे लगता है ये उन सबसे ज्यादा मुश्किल है। तुम हमेशा गीले और ठंडे रहते हो, मेरा शरीर बार बार इन कठोर पत्थरों से टकरा रहा है और दर्द हो रहा है। 90% समय ये गुफा बस खतरनाक ही होती है, लेकिन सच कहूं तो जिमी! यो! काल, मुझे देख सकते हो? ये दुनिया की सबसे तेज टॉर्च है। इस गुफा में कुछ मजेदार पल भी थे। 300 फीट नीचे रैपिड्स को पार करना, हम सबका मिलकर बिस्तरों में हंसना, सारी मुश्किलें इसके लायक है जब आप अच्छे लोगों के साथ होते हो। चलो वेल जैसी आवाजें निकालें। ये गीली ठंडी पत्थरों से भरी हुई मुश्किल गुफा हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर बन जाता है। हम तब तक नहीं जा सकते जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता, और सब कुछ से मेरा मतलब है सब कुछ। चलो यहाँ से निकलते हैं। और गुफा के शुरुआत में वापस पहुँचने के बाद बाहर की दुनिया कितनी अच्छी लग रही है। हमारे पास जोल के लिए एक और सरप्राइज था। जाने से पहले जोल, तुम्हें थैंक यू कहने के लिए हम तुम्हें 50,000 New Zealand dollars दे रहे हैं। तो ये हर इंसान के लिए 10,000 है जिन्हें तुमने जिंदा रखा। ओह गॉश, थैंक यू सो मच जिमी। चलो चलते हैं जोल। अब ये सब निपटा लिया है तो चलो चलते हैं।